गाइस ये हैं मेरे ट्रेनर मिस्टर प्रोमे। अगर वो हमें देख रहा होगा तो सोच रहा होगा अच्छा मेरी गाड़ी छेड़ रही हैं दो लड़कियाँ। देखो गाइस प्राची दीदी स्कूटी चला रही हैं। गाइस आप भी अपने कपड़ों को खुद करते हो प्रेस? मैं तो खुद ही करती हूँ। सो गाइज मैं हूँ प्राची और आपका मेरे ब्लॉग में सबका स्वागत है। तो गाइज अभी आज भी ना बारिश होती बहुत तेज लेकिन होते होते रह गई और मेरा मन था कि मैं आज भी थोड़ी सी एक दो रील बना लूँ लेकिन फिर मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि पिछली बार ना मुझे कोल्ड हो गया नहाने के बाद। तो मम्मी ने मना कर दिया कि अभी जल्दी में रील नहीं बनानी, अब तो ये मौसम ऐसा चल रहा है ना कि डेली बारिश ही बारिश होगी, तो अभी एक दो दिन बाद रील बनानी है, मतलब वीडियो वगैरह कुछ टाइम रुक के बनानी है, अभी नहीं बनानी। तो मैं आई थी अभी ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ये देखो मैं अपने कपड़े वगैरह सब ले आई और मैंने ना अपना ज्वेलरी बॉक्स भी चेंज कर दिया, वो काजू कतली का हटा दिया, ये वाला रख लिया मैंने। और मैं ये दो जोड़ी कपड़े लेकर आई हूँ रील बनाने के लिए। तो मुझे दोबारा से ना मैं जो रील बनाती हूँ वो मैं दोपहर के टाइम बनाती हूँ। जो आपने मेरी सूट में देखी होगी ना वो भी मैंने लास्ट वाले कमरे में जाके जिसमें मतलब उसमें धूप आती है रूम में उसमें ऐसी नहीं है वो मैंने बनाई थी 1 बजे दोपहर को। और इसलिए मैं सोच क्योंकि शाम को फिर मैं सो जाती हूँ, मतलब दोपहर को सो जाती हूँ 4-5 बजे उठती हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं 11-12 बजे 1 बजे करीब वीडियो बनाया करूँगी जिस दिन मेरी छुट्टी रहा करेगी जैसे कि आज। तो आज अभी वजह है 1, अभी बस मैं सुबह उठी काम वगैरह किया सारा जो मेरे हिस्से में आता है वो मैंने सारा काम किया, उसके बाद नहा के खाना वाना खा के मैं आ गई फ्री होकर ऊपर। और सच में इस टाइम ना बहुत अच्छी वाली नींद आती है, मतलब मन नहीं करता कि मैं रील वगैरह बनाऊं, इस टाइम मेरा मन करता है मैं सो जाऊं, लेकिन अपनी नींद की कुर्बानी देकर मैं आई हूं ऊपर रील बनाने के लिए। और अभी मैं सबसे ऊपर भी देख के आई कि मौसम कैसा है, तो हवा चल रही है, मतलब बारिश हो रही थी अभी 15-20 मिनट पहले, बारिश बंद, धूप भी नहीं है, थोड़ा मौसम ठीक है और हवा चल रही बहुत अच्छी। तो मैंने भी सोचा मैं ऊपर जाके बना लूँ वरना आप बोलोगे अलवारी के सामने वीडियो बनाती रहती है। तो देखो गाइस मैं हाँ बनाती हूँ, एक अलवारी नीचे है, ये 3rd फ्लोर की थोड़ी अलग है, यहाँ पे ये सब सेटअप करके। आप सबको मेरे ऊपर सूट इतने ज़्यादा पसंद हैं कि मैं पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के सूट लाती हूँ और इस पर प्रेस भी नहीं हो रही, और प्रेस करने में जो मुझे हल्का सा आता है ना सच्ची बस बहुत ही ज़्यादा हल्का सा आता है मुझे प्रेस करने में, पता नहीं क्यों। मेरे पास जितने भी कपड़े हैं ना मैं प्रेस के नहीं है, बस सिर्फ 1 से 2 कपड़े होंगे जिन पर मैं प्रेस करती हूँ, बाकी कोई ऐसा मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो अभी मैं करूँगी प्रेस। अरे टिक जा भाई, लाइट से तो काली हो गई मैं। गाइस आप भी अपने कपड़ों को खुद करते हो प्रेस? मैं तो खुद ही करती हूँ। तो आज मैं पहनूंगी ये पिंक कलर का सूट, अभी मैं इस पर प्रेस। बहुत कमेंट आती है कि जब आपने सूट पहना है तो इस पर आपने दुपट्टा क्यों नहीं पहना, मतलब इस तरह की, तो मैं उनको बता दूँ दुपट्टा मैं वियर करती हूँ चाहे मैं किसी भी तरह से करूँ, लेकिन जिस सूट पर दुपट्टा ही नहीं होता बताओ मैं कैसे करूँ, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं जो कुर्तियाँ वगैरह होती हैं उनको दुपट्टे होते ही नहीं हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे सूट हैं जिन पर दुपट्टा ही नहीं है इसलिए मैं नहीं होती। सो गाइस सूट मैंने पहन लिया है, मैंने पहना है आज पिंक कलर का सूट, कलर बहुत अच्छा लगता है और मैंने इसके नीचे पिंक कलर की लाइन पहनी है, लाइट डार्क कॉम्बिनेशन। और हाँ गाइस मुझे ना मेरे हेयर को लेकर बहुत कमेंट आती है कि आपने अपने हेयर को कुछ कराया है नहीं, तो गाइस मेरे ये नेचुरल हेयर है, मैंने अपने वालों को कुछ भी नहीं कराया और सबको मेरे वाल इतने अच्छे लगते हैं और मुझे अपने वाल अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये ज़्यादा ही स्ट्रेट है, मुझे स्ट्रेट हेयर नहीं अच्छे लगते, मुझे ना थोड़े कर्ली टाइम भी अच्छे लगते हैं। सो ठीक है अब ज़्यादा बढ़ाई होगी मेरे बालों की। और आज मैं ना थोड़ा सा मेकअप कर कैमरा को मैं कहाँ सेट करूँ, समझ में गंदा हो रहा है मेरे नाक को भी शीशे साफ ही नहीं हो सकता। अगर आज मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा मेकअप, पता है मैं जब कहीं जाती हूँ ना बस मैं तभी फाउंडेशन वगैरह यूज़ करती हूँ क्योंकि अगर वैसे कर लिया ना तो पिम्पल तो सुनते रहते हैं कि बस प्राची कब मेकअप करे कब हम भागे भागे आए, लेकिन आज मेरा ना मन है कि मैं करूँ, तो बस मैं अपने हाईलाइट पॉइंट भी करूँगी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करती।
मैं बन गई। एक दिन ना मैं मेकअप का ट्यूटोरियल भी दूंगी अच्छा सा। एक तो मैं सोचती हूँ ना कि क्या ही दूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने अच्छे से मेकअप कर लिया फिर पिंपल हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा बताओ। लेकिन जब मुझे मेकअप आता है तो मैं करके क्यों ना दिखाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा है ना बस एक दो दिन बाद मैं ना मेकअप का ट्यूटोरियल दूंगी आप सबको अच्छा सा, पर सब लड़के मेकअप सीखना ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मेरी आईडी पर लड़के ही हैं, मुझे पता है लड़कियाँ बहुत रेयर हैं, तो लड़के सीख लो शादी के बाद काम आएगा आपके। अगर आपकी वाइफ ने बोला कि चलो मुझको मेकअप करके दिखाओ तो कर तो दोगे। सो गाइज आई एम रेडी और फाउंडेशन लगा के ना फेस क्लियर हो गया मेरा। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी एकदम पिंकी पिंकी बनके, और मैंने एक बार टक्कर ली क्योंकि यहाँ ना मेरे लग रहे हैं कमर पे चिप चिप वाले, तो इसलिए मैंने अभी कर ली टक। तो हाँ मेरे स्टाइल एक साइड से तो ऐसे और एक साइड से बिल्कुल नहीं, तुम भी अंदर जाओ। तो अभी मैं जाऊँगी ऊपर वीडियो बनाने के लिए, वैसे तो पता 1:30 बज रहे हैं लेकिन धूप वूप नहीं है तो अच्छा हो रहा है मौसम, और ऊपर सच में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देखो वो तो मेरे बाल उठ रहे, क्या हो रहा है इसमें, वो तो मेरे बाल उठ रहे होंगे तो आपको पता ही चल रहा होगा कि हवा सच में बहुत अच्छी चल रही है। पूरी छत पे मेरा राज है, कोई नहीं है पूरी छत पे। ये ब्राइटनेस को क्या हो रहा है, प्लीज अभी मुझे बनानी है रील, फिर इस रूट में मिलेगी आपको अच्छे अच्छे से मेरे हरियाणा वाले फैन को, फैंस को पहले ना हवा खा लो थोड़ी सी फिर बनाओ। गाइज ये पहन लिया है मैंने सेकंड सूट, और इसमें मुझे प्रॉफिट ये हो गया दो, कि एक में दो प्रॉफिट हुआ है कि इस पे मेरे टॉप्स भी ये चल गए और लेग भी ये चल गई, बट इसके ऊपर दुपट्टा बहुत प्यारा सा। आपकी वजह से मुझे इतने नए नए सूट लाने पड़ते हैं, जब से मैं रील बनाने लगी हूँ ना तब से मैं पता है कितने ज़्यादा सूट ले आई, मतलब कितने ज़्यादा ले आई, वो तो आपको मेरी आईडी पे देख के पता चल गया होगा। जब भी मार्केट जाऊँ तभी सूट तभी सूट तभी सूट, और मेरी बहन भी आती ना ससुराल से, उसको तू मत पर पहले सूट लेगा, ये हाल है मेरा इस टाइम, क्योंकि मेरी रील पे सूट ही इतने भर रहे हैं और आपको अच्छे भी सबको वही लगते हैं, तो मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। हे गाइस आई एम बैक। का माहौल ऐसा है ना कि कोई शाम को सो नहीं सकता, और जब से कोको है ना महारानी वो दीदी, तब से तो कोई सोगा नहीं, जब वो सोए तब सो जाओ अगर तुम्हें सोना है तो, नहीं तो अगर वो जाग गई वो फिर सोने नहीं देती। तो भाई ये है मेरी जिम जिसमें मैं डेली वर्कआउट करने आती हूँ, और ये है मेरे ट्रेनर, भाई ये है मेरे ट्रेनर मिस्टर रोमेश गुज्जर। साथ की लड़कियाँ भी करती हैं जो मेरी एज की है मेरी हेल्थ की है। और ये है थाई स्क्वाट एक्सरसाइज जिसके मैं 3 सेट करती हूँ, 15-15 के 3 सेट करने होते हैं।
जिस दिन मेरा लेग डे होता है ना वो मेरा सबसे थका हुआ दिन होता है। देखो मेरी टी शर्ट सबसे पहले तो कितनी गीली हो गई। और अभी ये मुझे 3 एक्सरसाइज और करनी है, 1, 2, 3। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लेग। इसको करके सच में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। जैसे लेग वाली सारी करके बहुत दर्द होता है। गाइस हम आ चुके हैं जिम से मेहनत करके और मेरे पीछे खड़ी है थार, माय फेवरेट कार। और अभी पियेंगे हम जूस, डेली रूटीन। नहीं शीशा भी नहीं हट रहा, बढ़िया लगते था। जिसकी होगी वो छेड़ता है, देख लेना। खुश हो जाएगा, इतनी सुंदर लड़की उसकी कार छेड़ रही है, लेकिन उसने शीशा गंदा कर रखा है, गाड़ी भी गंदी है। इसलिए मैं ना का पीती हूँ, लेकिन आज और आज पीऊंगी मैं मौसमी का। मौसमी सुन रही, मैंने क्या की मौसमी, मौसमी होता है। मैंने एक जूस थार के साथ। गाइस जिम से आने के बाद हम आए हैं ऑफिस पे, क्योंकि हमारा ऑफिस बन रहा है तो इसलिए पापा ने बोला दिखाने के लिए। ये है मेरे पापा। मुल्ला जी हाय बोल दो। धंधा मत जाने का, चिपका दिया ना, गिर जाए। हाय बोलो। हाय। हाँ सही कह रहे हो, हाय। और अभी हम बैठे हैं सब। ये है मेरे चाचा, इन्होंने तो जिंदगी कर दिया। मैं दिखाती हूँ पूरा, यही सारी फैमिली आ रखी है। तो गाइस ये बन रहा है अभी ऑफिस हमारा, मेरे पापा का अपना बिजनेस है तो इसलिए ऑफिस बन रहा है। अब ये बनानी है ठीक से, लेकिन पापा ने हमको देखने के लिए बुलाया है कि आ जाओ और ऑफिस देख लो। ये अंदर से लोगों के बनना दिखाती हूँ। और मैंने वीडियो बनाई लेट, मेरा चश्मा नहीं है। और अभी पापा कह रहे हैं अभी चलते हैं घर। हमको यहाँ आए ओवर 10 मिनट, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं भी ऑफिस देखने लग गई और अब वीडियो बनाई तो पापा कह रहे हैं अब जाओ घर। तो अभी ये पूरी फैमिली खड़ी है यहाँ पे सब। मम्मी देखो कैसे बैठी है, मौसी देखो गाइस प्राची दीदी स्कूटी चला रही है। प्राची दीदी मेरे से भी चल रही है, चलवा दो गाइस। मुझे आती है चलानी, लेकिन मैं अभी स्कूटी भूल गई चलाना। प्राची दीदी यार मेरे से भी चलवा दो। क्या चलाऊं तुझे स्कूटी बाबू, इसमें तेल खत्म हो गया। सो गाइज हम आ चुके हैं ऑफिस से सब, और आते आते हमको 9:30 बज गए और अब बज रहे हैं 10। इतनी लेट हो गया और ना भी खाना बना ना कुछ, तो भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। सच में जिम करके ना भूख लगती है बहुत अच्छे अच्छे से। तो गाइज आज का दिन मेरा गया कुछ इस तरह से। अभी तो मैं एडिट करूँगी, अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कौन कौन सी क्लिप बना दी और कौन कौन सी ऐड करनी है, तो वो मैं करूँगी। और मम्मी मेरे लिए लाई है चिज्जी खाने की, जिनसे मैं मोटी हो जाऊं। मम्मी गाइस मैं बहुत पतली हूँ देखो, मतलब रील में मैं थोड़ी बड़ी लगती हूँ, लेकिन रियल में ना बहुत एकदम बहुत पतली सी हूँ मैं। तो इसलिए मेरी मम्मी खाने पीने पे मेरी ध्यान दे रही है कि प्राची कुछ खा ले और थोड़ी सी मोटी हो जाए, तो बस इसलिए। और गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब बस मुझे खाना है और खा के फिर कान्हा जी को सुला के, और चेंज तो मैंने कर लिया, और फिर बस मुझे सोना है। फिर मिलेंगे आपसे कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।